प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी के इस सेशन में मैं आपके लिए इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज बाय पर्ल एस बक का हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है आपको यह टेक्स्ट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मेरा एक आपको सुझाव ज़रूर है कि आप अपने हाथ में पुस्तक रखें और इंग्लिश को देखते हुए हिंदी सुनते रहें तो आपको यह टेक्स्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मैं पर्ल बक के विषय में पहले बताना चाहूँगा। पर्ल बक का जन्म 1892 में अमेरिका में वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था। उनका पालन पोषण उनके मिशनरी माता पिता द्वारा चीन में हुआ। वे चीन के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाती थीं। वे अपने संस्मरण और यात्रा वृत्तांत के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने विभिन्न देशों की अपनी व्यक्तिगत यात्रा के विषय में सरल, स्पष्ट और सहज इंग्लिश में लिखा। उन्हें 1938 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं द गॉड्स अर्थ, चीन पर लिखा यह एक उपन्यास है, और कम माई बिलवेड, जिसकी पृष्ठभूमि भारत है। प्रस्तुत रचना इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज माई सेवरल वर्ड्स का एक अंश है जो उनके व्यक्तिगत जीवन के विषय में है। यह रचना भारत के गांवों में रहने वाले अत्यंत गरीब लोगों के प्रति उनके स्नेह को दर्शाती है। तो मैं प्रारंभ करता हूं। भारत हमेशा मेरी जिंदगी की पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा है, लेकिन मैंने कभी भी उसे उसकी पूर्णता में नहीं देखा था और ना ही अपने लिए अभी तक। फिर भी हमारे भारतीय फैमिली डॉक्टर हैं और उनकी पत्नी ने जो मुझे कहानियाँ सुनाई जब मैं बच्ची थी और सपने बुनने लग गई थी, और जो कुछ भी हो मुझे उस देश के विषय में मिल सका उसे बहुत पहले मैं पढ़ चुकी थी। उसके विषय में मुझे अपने पिता से बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध की जीवनी के माध्यम से जानकारी मिली। रंग शब्द मुझे भारतीय जीवन के विभिन्न रंगों की याद दिलाता है, उतना ही विभिन्न जैसा कि हमारा अपना अमेरिकन मानव समाज। कश्मीर, जिसके रास्ते यूरोप के गोरे असभ्य आक्रमणकारी भारत में घुसे, लोग प्रायः गोरे होते थे। वहाँ सुनहरे भूरे बालों और नीली आंखों वाली महिलाएं अत्यंत खूबसूरत हैं। मेरी एक युवा भारतीय मित्र ने हाल ही में एक कश्मीरी व्यक्ति से विवाह किया है, जिसके बाल यद्यपि काले हैं उसकी आंखें हरी हैं। कश्मीरियों का रंग सुंदर क्रीम होता है और उनका शरीर यूनानियों की तरह अत्यंत ही सुडौल और खूबसूरत होता है, लेकिन सभी भारतवासियों को कॉकेशियन जाति का कहा जा सकता है। चाहे दक्षिण में त्वचा का रंग कोई भी हो, चाहे किसी अफ्रीकन की तरह काला ही क्यों न हो। और आश्चर्यजनक रूप से भारत के पास कुछ अनूठा है दूसरी जिंदगी में। जैसे उदाहरण के लिए, आज दक्षिण अफ्रीका में भारतीय तीसरे समूह के रूप में दक्षिण अफ्रीकी और गोरों और कालों के बीच में है। इस सिलसिले में हमारे पारिवारिक भारतीय डॉक्टर थे, और क्यों एक भारतीय डॉक्टर को चीनी बंदरगाह पर एक अमेरिकी परिवार को देखना चाहिए था। और भारत के विषय में अफवाहें हैं, क्योंकि वे स्मरणीय लोग हैं जो अत्यंत भावुक होते हैं और उनकी जिंदगी दिलचस्प होती है। और आप देखते हैं कैसा भारत का मानव जीवन जीने का तरीका है, और विचार करें कैसे भारत ने किया है सिर्फ अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए, और हाँ, श्रेष्ठ लोगों को आज़ादी के इन थोड़े वर्षों में अपने बीच से निकालते हुए दुनिया को प्रभावित करने के लिए। अंग्रेज जो देकर चले गए उसका उन्होंने अच्छा फायदा उठाया। पश्चिम का ज्ञान दुनिया के दोनों तरफ शिक्षित पुरुषों और महिलाओं की शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण के साथ बोली गई अंग्रेजी भाषा। देखें नेहरू और उनके साथ के लोगों के प्रशासन करने का तरीका और सीखना, और एक भारतीय महिला का संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली का अध्यक्ष होना, और एक भारतीय जनरल की देखरेख में कोरिया में कैदियों की अदला बदली होना जिसने सबों का दिल जीता था। यहाँ तक कि देश में और देश के बाहर धमकी और दोषारोपण ने भी नए भारत के मौन आत्मविश्वास को नहीं बदला है,
और यह आत्मविश्वास जिसकी नींव नहीं झुकने वाले आदर्शवाद में है, वह विश्व जीवन में है, चारों तरफ है। मैं भारत में क्या देखने गई? ताजमहल नहीं, यद्यपि मैंने उसे चांदनी रात में देखा। फतेहपुर सिकरी नहीं, यद्यपि मैंने उसे देखा। और साम्राज्यों के गौरव को नहीं, यद्यपि मैंने उन्हें देखा। मैं भारत दो समूहों के लोगों को देखने और सुनने गई, शहरों के युवा बुद्धिजीवियों को और गाँव के किसानों को। इनसे मैं शहर के छोटे कमरों और गाँव के छोटे मकानों में मिली और मैंने स्वतंत्रता की उनकी योजनाओं को सुना। बुद्धिजीवियों का पहले से ही मानना था कि दूसरा विश्व युद्ध अनिवार्य था। पहले विश्व युद्ध के कारण वे बुरी तरह निराश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि इंग्लैंड ने उनसे किया हुआ वादा नहीं निभाया था। उन्होंने घोषणा की कि अंग्रेजों का उद्देश्य उन्हें आज़ादी देना नहीं था। मैं विश्वास कर सकी। चीन से मैं लौटी ही थी, जहाँ लोगों के सहयोग की अवधि का कोई अंत नहीं दिखाई देता था और स्वशासन हर वर्ष आगे दूर ही रहा। जब आप आज़ादी के लिए तैयार रहते हैं, विजेताओं ने हमेशा अपनी प्रजा को कहा है इत्यादि, लेकिन किसे निर्णय लेना है और कब वह पल आएगा और लोग कैसे अपने को शासित करना सीखेंगे सिवाय उसे करने के। इसलिए भारत के बुद्धिजीवी बेचैन और कड़वाहट से भरे थे और मैं घंटों उनकी गहरी आंखों को देखती रही और भाषा के उनके अंतहीन प्रवाह को सुनती रही, बिल्कुल शुद्ध अंग्रेजी जिसमें वे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। तब योजना यह थी कि जब दूसरा विश्व युद्ध होगा तो भारत उसी घड़ी इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह कर देगा और इस जटिलता में उसे बाध्य कर देगा भारत को आज़ादी देने के लिए। उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा, जैसा उन्होंने कहा कि पहले विश्व युद्ध में इंग्लैंड के आदेश के मुताबिक उन्हें लड़ना था। और तब मैंने पूछा, और तब युवा भारत ने गर्व से कहा, हम स्वयं निर्णय लेंगे कि हम इंग्लैंड की ओर से लड़ना चाहेंगे या उसके खिलाफ। जो वे विश्वास नहीं कर सके, जब समय आया वह नाजीवाद की बर्बरता थी और एशिया में जापान की आक्रामकता। जब उन्हें लगा कि उन्हें एक्सिस पावर्स और अंग्रेजों के बीच चुनना था, तो उन्होंने अंग्रेजों को चुना, यह जानते हुए कि उनके अन्यायों के बावजूद वे बर्बरता और सभ्यता के बीच से चुन रहे थे। उन्होंने अपनी आज़ादी की योजना को स्थगित कर दिया। इसी बीच गांधी अपने देश के अंदर ही अपना काम करते रहे, जब तक कि युद्ध समाप्त नहीं हो गया। और तब तक इंग्लैंड के अत्यंत समझदार दिमागों ने नई दुनिया को समझते हुए अंग्रेज पुरुष और दूसरे जिन्हें एशिया की पर्याप्त समझ नहीं थी कि विवेक क्या होता है, के कड़े विरोध के बावजूद भारत को उसके देशवासियों को लौटा दिया गया। यहाँ तक कि चर्चिल की खून खराबा की भविष्यवाणी थोड़ा बहुत छोड़कर अनिवार्य को नहीं रोक सकी। जितना लंबे समय तक हो सकता था भारत ने इंतजार किया था और किसान और बुद्धिजीवी पुराने अजेय संगी की तरह एक तरफ थे। वह गांधी की शक्ति थी जिसने उन्हें पहले एहसास करा दिया था कि देश के लिए साथ काम करने के लिए किसान और बुद्धिजीवी दोनों को जीतने की जरूरत थी। उनकी पकड़ दोनों पर बराबर थी और इसलिए उन्हें बिना युद्ध के सफलता मिली। संभवतः हम अमेरिकन पूरी तरह अभी तक समझ नहीं पाते हैं कि उस महान संदेश को जो भारत को पढ़ाना है इस तरह अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए, उसकी बिना किसी खून खराबे की क्रांति के महान विजय के सामने हमारी स्वतंत्रता का युद्ध आकार और विचार में छोटा पड़ जाता है। भारत ने मानवता को एक पाठ पढ़ाया है और हमारे लिए संकट की स्थिति होगी यदि हम नहीं सीखते हैं पाठ कि युद्ध और हत्या से कुछ भी नहीं प्राप्त होता है सिवाय नुकसान के, और एक सुखद अंत की निश्चितता तभी होती है जब उसे प्राप्त करने के साधन भी उससे अनुरूपता बनाए रखते हुए सुखद हों। उपनिवेशवाद के खिलाफ सही आरोप भारत के गांवों में देखा जा सकता था। ऊपर में सड़ी गली स्थिति थी, हजारों अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े युवा बुद्धिजीवियों के पास नौकरी नहीं थी सिवाय सीमित सिविल सर्विस में। शहर सुसंस्कृत और सुशिक्षित दुखी नवयुवकों से
बजबजा रहे थे, जिन्हें नौकरियां नहीं मिल रही थी और पुराने भव्य साम्राज्य द्वारा उनका सृजन भी नहीं किया जा रहा था। लेकिन पाप का वास्तविक प्रमाण, मैं फिर कहती हूँ, दयनीय गांव में था। मुझे लगता था कि मैंने बहुत गरीबी चीन में ही देखी थी, लेकिन जब मैंने भारतीय गांवों को देखा तो मैंने जाना कि चीनी किसान तुलना में अधिक धनी था। सिर्फ रूसी किसान की तुलना भारतीय किसान से की जा सकती थी, जिसे मैंने वर्षों पहले देखा था। यद्यपि वह रूसी किसान एक बिल्कुल अलग प्राणी था और बहुत मामलों में निम्न, लेकिन भारतीय किसान चीनी किसान की तरह एक जनजात सभ्य व्यक्ति था, एक संगठित मानव परिवार की परिपक्व होती हुई संस्कृति और गहरे दार्शनिक धर्मों ने उसके मन और आत्मा को आकार दिया था। यद्यपि वह पढ़ लिख भी नहीं सकता था, और बच्चे, भारतीय गांवों के बच्चे, कैसे उन्होंने मेरे दिल को चीर दिया। दुबले, बड़े पेट वाले और सभी बड़ी उदास काली आंखों वाले, मुझे हैरानी हुई कि कोई अंग्रेज उन्हें देखकर अपने को दोष ना देने लगे। 3 वर्षों की अंग्रेजी कब्जा और शासन, और कहीं बच्चे ऐसे हो सकते हैं? हाँ, और उनके जैसे लाखों। और अंतिम आरोप निश्चित रूप से यह था कि भारत का जीवन काल सिर्फ 27 वर्ष था। 27 वर्ष, इसमें हैरानी की बात नहीं है तब कि जीवन को तेज गति से बढ़ा दिया जाता था, कि एक पुरुष का विवाह बहुत छोटी उम्र में कर दिया जाता था जिससे बच्चे हो सके जितना अधिक संभव हो उसके बनने से पहले। मुझे इंग्लैंड से प्यार था, वहाँ उन सभी खुशनुमा यात्राओं को याद करते हुए, लेकिन भारत में मैंने एक इंग्लैंड को देखा जिसे मैं जानती नहीं थी, और मुझे देखने के लिए बाध्य कर दिया गया कि यदि अंग्रेज बहुत मामलों में धरती पर सबसे अच्छे लोग थे, जिन्होंने हम सबों के लिए मार्ग बना दिया लोगों का अपने पर शासन करने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए, यदि उपनिवेशवाद इन्हें भी भ्रष्ट कर दे, तब सचमुच हम में से कोई साम्राज्य का शासक बनने की हिम्मत नहीं करेगा। पुराने और नए भारतीय मित्रों के साथ रहकर मुझे लगा कि भारत की सारी बीमारियों को आसानी से ठीक किया जा सकता था, यदि कोई सरकार ऐसी होती जिसका उद्देश्य सबसे पहले लोगों को लाभ पहुंचाना होता, ना कि उन पर शासन किया जाता। उदाहरण के लिए, रेगिस्तान की तरह बंबई और मद्रास के बीच सूखी धरती पहले से ही सूखी पड़ी थी। यद्यपि सिर्फ फरवरी में, जब सूरज पर्याप्त रूप से इतना गर्म होता था कि किसी बीज को उर्वर बना सके, यदि पानी होता। और पानी क्यों नहीं था? आर्टिजियन कुएं क्यों नहीं खोदे जाते, या कम गहरे कुएं ही खोदे जाते, जैसा कि मुझे बताया गया था कि पानी की सतह ऊंची थी। लेकिन कमजोर और थके लोगों में उस दिशा में काम करने की वर्षों के उपनिवेशवाद के बाद इतनी ताकत नहीं थी, वह उससे भी अधिक था। सबसे बुरा परिणाम संभवतः उपनिवेशवादी व्यवस्था का लोगों को काम नहीं करने का अंतहीन बहाना था, और इस तरह उन्हें अपनी मदद भी नहीं करने देना था। आप मेरे लिए जिम्मेदार हैं, हमेशा लोगों की रूखी प्रतिक्रिया होती है शासक के प्रति। आपने मुझे खिलाने, कपड़े देने और मुझ पर शासन करने का जिम्मा लिया है। यदि मेरी मृत्यु होती है तो वह आपकी गलती है। हमेशा अंग्रेजों को दोष दिया जाता था, और निश्चित रूप से दोषारोपण हमेशा न्यायोचित नहीं होता था। फिर भी संभवतः वास्तव में वह था, क्योंकि जब लोगों का दिल टूट जाता है, उनका उत्साह भी उसके साथ खत्म हो जाता है। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि भारत के लोगों में कितनी छवि देखती हूँ, जो मुझे महसूस हुआ उन लोगों के बीच रहकर। और अभी भी मेरे मन में उनका महान पुरुषों और महिलाओं के प्रति सम्मान स्पष्ट है। भारत में नेतृत्व उन लोगों द्वारा ही जारी रह सकता है जिन्हें उनके अनुयायी अच्छा मानते हैं, यानी जो त्याग करने की क्षमता रखते हों और सिर्फ अपनी ही नहीं सोचते हों। सिर्फ यही एक गुण सबों को वश में रखता है। वह व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत लाभ का त्याग एक आदर्श लक्ष्य करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए करता है, वह सचमुच ईमानदार है और उसकी सोच भी ऊंची है, इसलिए विश्वसनीय है। मुझे लगा कि उन लोगों को भी
जो अपने को भ्रष्ट और गलतियों से भरा समझते हैं, ऐसे लोगों की तलाश थी। गांधी को दिया गया राष्ट्रीय समर्पण और अंततः अंतर्राष्ट्रीय समर्पण भी विख्यात है, लेकिन मैंने पाया कि वही सम्मान स्थानीय लोगों और व्यक्तियों को भी दिया जाता था जो अपनी त्याग की भावना के बल पर नेता थे। इसलिए मुझे एक विशेष भारतीय गांव याद था, जहां एक थोड़ी आधुनिक शिक्षा मिले परिवार के घर मुझे आमंत्रित किया गया था। उनके पास कुछ साधन थे लेकिन धन नहीं था। मकान मिट्टी की दीवारों से बना था और छत छप्पर की बनी थी। अंदर अनेक कमरे थे, फिर भी फर्श चिकने थे और गाय के सामान्य गोबर और पानी से लेपे हुए थे। मकान का सक्रिय व्यक्ति परिवार का मुखिया नहीं था, बल्कि एक छोटा भाई था। मुझे यह पता लगा जब मैं आई, क्योंकि हमारे मकान के अंदर प्रवेश करने के पहले मेरे मेजबान मुझे एक विचित्र प्रकार के पिंजरे के पास ले गए, जो जमीन पर चार खंभों पर खड़ा था। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब तार की जाली से बने पिंजरे के अंदर मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को अपनी पीठ के बल सिर को एक तकिए के सहारे लेटे देखा। मेरे सबसे बड़े भाई, मेरे मेजबान ने बताया, उन्हें पैरालिसिस यानी लकवा हो गया है, और यद्यपि हम लोग उनसे घर में रहने को कहते हैं, वे यहाँ बाहर रहना चाहते हैं, जिससे गांव वाले जब उनसे मिलने आए तो वे उनकी बातों को सुन सके। मेरे मेजबान ने अच्छी अंग्रेजी बोली, लेकिन बड़े भाई बिल्कुल नहीं बोले, और हम मित्रवत देखते हुए सिर्फ एक दूसरे का अभिवादन कर सके। जो मैंने देखा वो तेज पतला दर्द से परिपक्व हुआ चेहरा था, जिसकी आंखें भली और तेज तर्रार थीं। शरीर बिल्कुल बेजान था, लेकिन वह साफ सुथरा था और सूती के कपड़े बर्फ की तरह सफ़ेद थे। हम लोगों ने कुछ बातें की और तब गांव वालों का एक समूह आया मुझे देखने नहीं बल्कि बड़े भाई से बातें करने, और इसलिए मेरे मेजबान मुझे अपनी युवा पत्नी और बच्चों से मिलवाने घर के अंदर ले गए। ठहरने के दौरान सारे समय मैं उस पिंजरे को देखती रही, और शायद ही कभी मैंने उसे बिना लोगों से घिरे देखा। और जब तक दिन की रोशनी रही, एक न एक व्यक्ति जमीन पर बैठ गंभीरतापूर्वक बात करता और सुनता रहा। मेरे मेजबान ने कहा, मेरा भाई हमेशा सज्जन व्यक्ति रहे हैं, अब वे हमारे संत हैं। मैंने देखा कि मेरे मेजबान के गांव में उनकी अपनी पहचान थी, क्योंकि दो बार जब हम अपना भोजन उस दिन ले रहे थे, कमरे में कोने की अपनी स्पष्ट रूप से एक पड़ोसी की आवाज़ सुनकर वे उठे और जवाब देने बाहर चले गए। जब वे लौटे तो उन्होंने वही बात कही, मुझे एक खतरनाक सांप को मारने के लिए बुलाया गया। गांव का भोजन सादा था, दाल चावल, बहुत अधिक उबाला हुआ पालक और चटनी। हमारे खाने के पहले एक बूढ़े चचेरे भाई एक पीतल के घड़े में पानी और एक साफ घर का बुना तौलिया हमारे हाथ पोंछने के लिए लाए, एक आवश्यक प्रारंभिक तैयारी उंगलियों से खाने के पहले। मैंने अपनी सारी जिंदगी चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल किया था और छुरी और कांटे की अपेक्षा उनका इस्तेमाल करती थी, लेकिन अपने दाएं हाथ से खाने की आदत हो जाने के बाद मुझे वह भी अच्छा लगने लगा। आखिरकार अपने दाएं हाथ को धोने से अधिक साफ क्या है, और बचपन से भारतीय बच्चों को सिखाया जाता है कि दायां हाथ साफ कार्यों के लिए है, जैसे खाना, और बायां हाथ निम्न कार्य कर सकता है। दूसरी सफाई यह थी कि हमारा भोजन प्लेटों के बजाय ताजे हरे केले के पत्तों पर परोसा गया। अच्छी तरह पका चौड़े हरे पत्ते पर रखा चावल मनमोहक दिखता है और भूख भी बढ़ा देता है। किसी भी घर में जहां जाति व्यवस्था थी, भोजन को वैसे पत्तों पर परोसा जाता था या मिट्टी के नए बर्तनों में, जिन्हें हमारे भोजन समाप्त करने के बाद तोड़ दिया जाता था। मेरे मेजबान कमरे के विपरीत कोने में फर्श पर बैठकर अपनी पीठ हमारी तरफ किए हुए खाते हुए अपनी जाति की मान्यताओं का पालन करते थे। इस तरह की दूरी के विषय में अब तक मैंने अपने मन में उठी पहली भावना पर काबू पाना सीख लिया था। यह एक धार्मिक भावना के प्रति सिर्फ एक निजी श्रद्धा थी और अनादर नहीं था। धर्म भारतीय जीवन में हमेशा रहता है, अपने सर्वोत्तम और अपने निम्नतम रूप में, क्योंकि वहां
हर जगह की तरह कट्टरता दुष्टता तक पहुंच जाती है। फिर भी मुझे धार्मिक प्रवृत्ति की सरल स्वीकृति पसंद आई, और क्योंकि धर्म किसी की आत्मा को संचालित करता था और उसे कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता था। इस तरह मेरे पहले बौद्धिक और संपन्न भारतीय परिवार में जब मैंने मेजबान की पत्नी के कमरे में बैठ उनसे बात की, एक भारतीय सज्जन बिना बोले हमारे कमरे में चले आए और शालीनतापूर्वक कमरे की दूसरे छोर पर चले गए। उनके नंगे पांव फर्श पर खामोश थे। वहां उन्होंने अपना सर झुकाया और उस अवस्था में संभवतः 15 मिनट तक रहे। जब मैंने जिज्ञासा पूर्वक उन्हें देखा तो मेजबान की पत्नी ने अत्यंत ही सहज होकर कहा, ये मेरे पति के सबसे बड़े भाई हैं। ये दिन में अपनी प्रार्थना के समय आते हैं, क्योंकि इनका अपना घर इनके व्यापार करने की जगह से कुछ दूरी पर है। जब प्रार्थना समाप्त हो गई तो भाई फिर चले गए और मैं उनसे तभी मिली जब उनका प्रार्थना का समय नहीं था। मेरी जिंदगी यात्राओं और लोगों से इतनी भरी पड़ी है कि मेरे लिए इन सबों को एक किताब में समेटना मुश्किल है, और सच में मेरी सारी किताबें भी काफ़ी नहीं रही हैं उन बातों को बताने के लिए जिन्हें मैं बताना पसंद करूंगी। भारत से जाने के वर्षों बाद मैंने कम माय बिलवेड इसकी पृष्ठभूमि पर लिखी। अजीब बात है, अमेरिकन कुछ को छोड़कर उस किताब के वास्तविक अर्थ को नहीं समझे, लेकिन भारतीय पाठक समझते हैं। हम लंबे समय तक दुनिया में नहीं रहे हैं, संभवतः यह जानने के लिए कि उपलब्धि का मूल्य लक्ष्य जो भी हो एक असीम है। अपनी किताब में मैंने 3 क्रिश्चियन मिशनरियों को चुना इसे प्रमाणित करने के लिए, क्योंकि जितने लोगों से मैंने मिशनरियों के विषय में जाना है कि वे सबसे अधिक समर्पित और सबसे अधिक ईमानदार होते हैं। उनका विश्वास है कि ईश्वर एक है जो मानव जाति के पिता हैं और सभी व्यक्ति भाई हैं, क्रिश्चियन का यही कहना है। इसलिए उनका विश्वास है और इसलिए वे उपदेश देते हैं। तब क्यों अपने त्यागों के बावजूद वे दुनिया को बदलने में असफल रहे हैं? आह, ये पर्याप्त नहीं रहे हैं, और उन्हें विश्वास की पूरी कीमत देने की इच्छा नहीं हुई है। वे सिर्फ अंश देते हैं। अपनी मान्यता के पूर्ण अर्थ को स्वीकार करने में वे असमर्थ हैं। मैं वही अस्वीकृति यहां अपने देश में देखती हूं बार बार, और सिर्फ ईसाइयों में ही नहीं, लेकिन भारत के लोग जानते हैं कि एक आदर्शवाद को अंतिम कीमत देने की चाहत क्या होती है। वे समझते हैं, और इसके लिए मेरी किताब एक उलझन नहीं है। तो विद्यार्थियों, मैं यहां टेक्स्ट समाप्त करता हूं, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है अच्छी बात है, यदि आपने नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और इससे आपको और भी वीडियोस सुनने और देखने को मिलेंगे। तो सुनने का धन्यवाद। थैंक यू।